सुनील कुमार हैं जालंधर से, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। ये हमारे मैडम का ना आंख पे छाई है, काला काला सा हो गया है, उसका डॉक्टर साहब से बात करना था। जी बात हो रही है, कहाँ पर? कहाँ पर? ये आंख के नीचे काला काला सा छाई जैसा हो जाता है। उम्र कितनी है उनकी? 45 है। ठीक है जी। और देखिए, इस उम्र में कुछ महिलाओं को ऐसा होता है, झाइयाँ सी आने लगती हैं, चेहरा ख़राब होने लगता है। और सबसे ज़्यादा मोहब्बत महिलाएं चेहरे से करती हैं अपने, और कोई भी दाग हो जाए तो समझ लीजिए चांद पर दाग आ गया। तो एक तो जो भी 40-45 साल के लोग हैं, चाहे महिलाएं हों या पुरुष, उनको एक कैल्शियम मल्टीविटामिंस की गोली एक हफ्ते में ज़रूर खानी चाहिए। एक बार आज से ही शुरू कर दें, मल्टीविटामिंस और कैल्शियम की एक टेबलेट आती है बड़ी सस्ती सी, 2-4 रुपए की आ जाएगी, बस एक हफ्ते में एक खानी है। और एक आता है गौंद मोरिंगा सफ़ेद, ये असली लेना ज़रूरी है। गौंद है एक, मोरिंगा का गौंद है, और सफ़ेद वाला उसके भी बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई लाल सा दे देता है दुकानदार, कोई पीला सा दे देता है, वो नहीं चाहिए, सफ़ेद वाला चाहिए, जो बर्फ़ी जैसे कलर का होता है, मिठाई होती ना बर्फ़ी वैसे कलर का होता है। ये 100 ग्राम खरीद लें और 1 ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर, दूध में मिलाकर या नारियल पानी में मिलाकर, जैसे आपकी हैसियत है, 1 ग्राम रोज़ाना इसको पाउडर बना लें, ये रॉ मटेरियल है, रोज़ाना एक बार दे दिया करें। आपकी वाइफ का चेहरा वैसा होना जैसा था बहुत आसान है। अगले कॉलर हैं नीरज देवी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी बोल रहे हैं ना कि हमारे पति को बहुत खांसी हुआ है। खांसी की शिकायत है, कब से है ये दिक्कत? हाँ जी। अरे खांसी तो मतलब सालों रहता है, लेकिन हल्का रहता है, इस बार तो कितना दवाई किए बाकी ठीक ही नहीं हो रहा है। सूखी खांसी होती है या बलगम आता है? नहीं कफ बहुत जिद्दा है। उम्र कितनी है उनकी? 40। ठीक है जी। देखिए नुस्खा बहुत ज़रूरी है, आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो मेरे YouTube से ले सकते हैं। लिखना ज़रूरी है सही क्वांटिटी और सही दवा की, ये आप लिख लें। आपके पास पेन वैन होगा तो बड़ा अच्छा है, कॉपी ले लीजिए। सपिस्तान एक दवा का नाम है, उन्नाब एक दवा का नाम है, अलसी तो आप जानते ही होंगे, ये 100-100 ग्राम खरीद लें। और किचन में गरम मसालों में एक चीज़ जिसे पीपले कहते हैं या पीपला मूल कहते हैं, पहले तो बहुत यूज़ करते थे महिलाएं, अब तो जानती ही नहीं, वैसे आप तो जानना चाहिए, आप तो लग रही हैं कि घरेलू औरत हैं। 30 ग्राम पीपले, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम, इनको पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह ही सुबह खाली पेट गर्म पानी से या खिला के चाय पिला दें या गर्म पानी, और 1 चम्मच रात को सोते में भी, सोते समय भी दें, आप उन्हें दीजिए लगातार, कई महीने तक उनको फायदा होना मुमकिन है। जबलपुर से हैं आर के वर्मा जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम नमस्कार, और जी नमस्कार सर, आपको भी बहुत नमस्कार। आदाब भाई, जय हिंद। मैंने फोन श्या मंगाया हुआ था मदर के लिए, वाइफ के लिए और फ्रेंड के लिए जी। मदर को घुटनों में तकलीफ है। जी मैंने कौन सा है मंगाया हुआ था जी सर, अपनी मदर के लिए, अपने वाइफ के लिए और फ्रेंड के लिए। ठीक है, तो मदर को घुटनों में तकलीफ है, जब मैंने आपके नंबर पर बात किया तो उन्होंने बताया कि इसकी केयर भी लेना है। अभी हकीम साहब तो बोलते हैं कि टीके और गोंद से दोनों साथ साथ नहीं लेना है, मुझे बता दें कि क्या करना चाहिए, टीके लेना है या नहीं लेना है? अच्छा, कितने दिन से ले रहे हैं? अभी मदर को तो 1 हफ्ता हुआ, लेकिन मैंने और वाइफ ने जो लिया था वो 1 महीना हुआ और बहुत लाभ हुआ है। अच्छा। कह सकता हूँ 60-70% हम दोनों को लाभ हुआ है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हमारी जो है ना ये
आपकी आशीर्वाद सा है ये, जब आप फोन करके हमें बताते हो कि आपको फायदा हो गया तो समझ लीजिए हमें आपने आशीर्वाद दे दिया। अब आप हमें ये चाहते हैं कि हमेशा आशीर्वाद देते रहें, तो जब आपको फायदा हो जाए तो दूसरों तक ही नुस्खा पहुंचाइए, सच्ची बात पहुंचाइए, ताकि और लोग भी बहुत तकलीफ में हैं, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके यार दोस्त, हर घर में मरीज है। और मेरी ये मुहिम है कि पहले आपको फ़ायदा पहुंचा दिया जाए, फिर आपसे निवेदन किया जाए कि अब आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को फ़ायदा होना चाहिए। अच्छा देखिए, आपने कहा कि वो टी केयर नहीं ले सकते, हाँ एक साथ नहीं ले सकते, टी केयर शाम को लें तो गौंसिया सुबह को लें, गौंसिया सुबह को लें तो टी केयर शाम को लें, ऐसे अलग अलग वक्तों में ले सकते, एक साथ नहीं ले सकते दोनों चीज़ें। तो गौंसिया एक हफ्ता तो हुआ है, मैं तो कहता हूँ एक हफ्ते बाद फ़ायदा शुरू होगा, तो अभी आपकी माता जी को फ़ायदा नहीं है तो कोई फिक्र मत करें, आपको को तो अनुभव हो गया कि एक हफ्ते बाद फ़ायदा शुरू होगा, और महीना, दो महीना, तीन महीना भी लग सकते हैं, लेकिन आपको यकीन करें कि इतना खुश हो जाते हैं हम लोग जब किसी को फ़ायदा होता है। अब आप हमारे साथ जुड़े रहना, और माता जी को भी फ़ायदा मुमकिन है, और जुड़े रहना जब तक आपको भगवान ने ज़िंदगी दी है। अब आपको फ़ायदा भगवान ने दे दिया, आप आगे फ़ायदा पहुंचाइए, जितने लोगों को पहुंचा सके, क्योंकि आपको पता है कितना परेशान है इंसान, और वो कहाँ कहाँ टक्करें मारता है, लाइनें लगाता है हॉस्पिटल की, और बहुत पैसा खर्च करता है, तकलीफ़ नहीं जाती, लाखों रुपए टेस्ट कराने में ही चले जाते हैं। ये भगवान ने एक चीज़ मुझे बताई, मैंने आपको बताई, और आप इसे फैला दीजिए जितना फैला सके, भगवान भी खुश होगा और हमें भी अच्छा लगेगा अगर आपने अपने पूरे जीवन में 100 लोगों तक ये नुस्खा पहुँचा दिया। अगले कॉलर हैं एमपी से, स्वागत है आपका। जी क्या नाम है? आदाब सवाल उद्दीन। जी सर आदाब, आदाब, खुशामदीद। हकीम साहब, कल मैंने सवाल किया था आपसे, लेकिन मेरा सवाल तो रह गया दीदी के मामले में, खाली बात हुई मेरा और बच्चे का, थोड़ा दो ही सवाल सुन लीजिए आप। मेरा एक तो सवाल यह है कि मेरे को आज 17 के अंदर अटैक की शिकायत हुई थी, एक नस बताई थी चौक, और उसके हेलो जी सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। हाँ तो उसमें मेरा इलाज भी करवाया था, तो उसमें दवाई गोली मैंने 1.5-2 साल तक ली, उसके बाद बंद कर दी। अब मैंने आपके यहाँ से 2 वाटर मंगवाई है जैतून का सिरका, तो मैं चाहता हूँ कि आधा आधा वाटर लेके अगर यूज करेंगे उससे लहसुन अदरक के रस में, तो कोई खराब तो नहीं होगा? नहीं नहीं बिल्कुल खराब नहीं होता, ये कभी खराब ही नहीं होता, जैतून का सिरका खराब अच्छा। ही नहीं होता। ठीक है, और एक सवाल ये है कि बच्चा मेरा 32 साल का है, और उसके बाल सफेद हो गए थोड़े, दाढ़ी अंदर और चेहरे पे, मास्टर है वैसे वो प्राइवेट स्कूल में, तो उसके लिए कुछ पूछना था। ठीक है जी। तो देखिए, बाल सफ़ेद होने की उम्र अब 30-35 हो गई है, यहाँ से लोगों के बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो लोग मछली ज़्यादा खाते हैं जी, उनके बाल बहुत देर से सफ़ेद होते हैं, और जो लोग अखरोट ज़्यादा खाते हैं उनके, या जो लोग अलसी खाने से भी बाल, देखिए अल्लाह ने गरीबों के लिए, भगवान ने अमीरों के लिए सब चीज़ें बनाई, गरीब लोग मूंगफली खा लेते हैं, अमीर लोग बादाम खा लेते हैं, लेकिन साइंस वैज्ञानिकों के अनुसार मूंगफली और बादाम में एक सी ताकत है, हालांकि हम नहीं मानते, वैज्ञानिक कहते हैं मूंगफली खांसी कर देती है, बादाम खांसी ठीक कर देता है, तो हकीमों की नज़र में ऐसा नहीं है। बहरहाल सपिस्तान और नाब अलसी तीन चीज़ें लें, और ये 100-100 ग्राम खरीदें, और ये जो आपके ये है आपके किचन में पीप लें, 30 ग्राम लें, इनको पाउडर बना के बच्चे को दीजिए रोज़ाना एक खुराक कम से कम, सुबह निहार मुंह पानी से, गर्म पानी से, तो रोकथाम हो सकती है। अगले कॉलर हैं दिल्ली से, रीमा जी स्वागत है आपका। नमस्ते मैम।
नमस्कार। नमस्ते सर जी, खुश आमदी। बेटे को ना 15 साल का है, उसको ना सोराइसिस है। 15 साल का बच्चा, ठीक है। कितना है, पूरी बॉडी पर है क्या? नहीं सर, उसको ना उंगलियों पे हो जाता है, हाथों में और पैर की उंगली पे हो जाता है कभी, मतलब सर्दियों में ज्यादा दिक्कत रहती है उसको। अच्छा, डॉक्टर ने कहा है सोराइसिस है? हाँ जी। हाथों की उंगलियों पे और पैरों पे? पैरों की उंगली पे, एक पे हो जाता है, जैसे हाथ पे भी, मतलब ना उसकी दवाई चल रही है, दवाई लेता है वो, सर्दियों में ज्यादा होता है उसको। अच्छा बेटा, कंफर्म ना कि वो सोराइसिस बताया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, फिक्र ना करें, डॉक्टर की दवाई भी दें, लेकिन जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ वो 6-7 महीने देना, जल्दी भी ठीक हो जाए, जब भी 6-7 महीने देना। भगवान ने मुझे ये नुस्खा दिया, मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, आपको फ़ायदा हो तो दूसरों तक पहुँचा दें। अलसी हल्का सा भून लें, अलसी तो सभी महिलाएँ जानती हैं, तिलहन में से है, बारीक बारीक से दाने होते हैं, खटमल की तरह होती है, खटमल के रंग की होती है, खटमल ही लगता है, दूर से देखो तो खटमल बैठा है, लेकिन अलसी 500-600 ग्राम अलसी लेके हल्का सा ऐसे भून लें, हल्का, ज़्यादा नहीं, फिर इसका पाउडर बना के रख लें। अब एक आता है नमक जैतून, ये असली खरीदे, नकली भी मिलता है, ये जायके में नमकीन नहीं होता, देखने में नमक जैसा होता है, इसकी पहचान है, लेकिन बेईमानी बहुत है, आप यकीन करें कि असली लेना ज़रूरी है अगर फ़ायदा चाहिए तो। आधा चम्मच अलसी ले और इसमें एक चुटकी नमक जैतून मिलाएं, बच्चे को दिन में खिला दें एक बार या ज़्यादा ज़्यादा 2 बार। ये नुस्खा ख़त्म नहीं हो पाएगा कि आपका बच्चे का ठीक होना मुमकिन है। लखनऊ से सीता जी, स्वागत है आपका। जी मैम नमस्ते। नमस्कार, आपका प्रश्न क्या है? मैम ये मेरी सिस्टर है, उनके मतलब MRI हुई है तो उसके डॉक्टर बता रहे हैं कि उनकी कमर की नस दब रही है, तो इसके पहले हम बात हुई थी आपसे, हमने गौर मंगवाया था, ठीक है, तो वो खा रही है तो थोड़ा मतलब आराम तो है, लेकिन मैम ये है उनकी हाथों पैरों में झनझनाहट बहुत हो रही है। ठीक है ठीक है जी। अच्छा बच्चा देखो, गौंसिया तो अभी है आपके पास, और इस जैसे रिजल्ट मैंने अपने जीवन में किसी दवा के नहीं देखे, आप भरोसा रखें भगवान पर, मशवरा माने मेरा कि एक तो वेस्टर्न टॉयलेट पर वो फारिग हो, जिनको भी कमर की नस दब जाती है उनको वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करना चाहिए, मेहनत का काम छोड़ देना चाहिए कुछ दिन के लिए, और कम से कम एक नुस्खा पूरा कर लें, ये गौंसिया वाला, आधा आधा ग्राम खाना है 2 बार खाने के बाद। और बेशतर तो मैं देखता हूँ कि नुस्खा ख़त्म नहीं हो पाता कि आदमी को फ़ायदा होना मुमकिन है, किसी को अगर और भी लेना पड़े तो ले सकते हैं। देखिए बहुत लंबा मामला है, MRI कराओ तो 4-5 हज़ार रुपये लग जाते हैं, और ये तो 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है, MRI से भी सस्ता है, डॉक्टर की फीस से भी सस्ता है, ऑपरेशन तो मत कराना आप ये नुस्खा खा लीजिए और खूब भगवान से मदद मांगिए, आपकी सिस्टर का फायदा होना मुमकिन है। महाराष्ट्र से है सौरभ मलिक, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। जय हिंद, बोलिए साहब। मैं महाराष्ट्र से सौरभ ले बात कर रहा है, मेरा 72 साल उम्र है। अच्छा, मेरा घुटने का 10-12 साल से दर्द था, अभी ठीक है। क्या लिया लेकिन आपने? थोड़ा ऊपर नीचे चढ़ने से थोड़ा तकलीफ है, वो तो दवाई चालू है, कोई इतना परेशान नहीं है। कौन सी दवा खाते हैं आप? पूरा हिंदुस्तान आप खा रहे हैं साहब जी? है? गौंसिया। हाँ आप पूरे ठीक होने वाले हैं, और जरा सा थोड़ा सा रह भी जाए तो कोई बात नहीं। महाराष्ट्र मिसेज के बारे में थोड़ा पूछना था। मिसेज के बारे में थोड़ा बात करना था। जी 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 बताइए। हाँ मिसेज को बहुत साल से है ना, गर्दन से लेके पैर तक दर्द था। हेलो। उसके लिए सर टी केयर दवाई चालू है। जी टी केयर दवाई चालू है साहब जी। क्या हाल है अब? अभी थोड़ा ठीक है।
लेकिन उनको रात को पसीना आता है साहब जी। ठीक है लेन खुलता है। हाँ देखिए गर्मी तो बहुत होती है महाराष्ट्र में, मैं रहा हूँ 20-25 साल महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के लोग बड़े अच्छे होते हैं और बड़े बात के पक्के होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, बहुत मानव होते हैं, मानव। मैंने इतने अच्छे लोग कहीं नहीं देखे जो अपनी बात के मजबूत होते हैं। महिलाएं भी बहुत अच्छी होती हैं, इसीलिए आपको भगवान ने फ़ायदा दिया। अब आपने पत्नी जी का इलाज शुरू किया है। देखिए महाराज की औरतें भी बहुत मजबूत और बहुत मेहनती होती हैं, अगर मेहनत करती हैं तो कुछ दिन के लिए उन्हें आराम दे दीजिए, कितना भी वजन उठा के चल देती है, मर्दों से भी ज़्यादा मेहनती होती है। मेहनत का काम कुछ ना कराएं उनसे, और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट का इंतज़ाम अगर नहीं है तो कर दीजिए। ये भगवान ने आपको तो फ़ायदा दे दिया, उनको भी फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन ये महाराष्ट्र की औरतें की मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। खड़े खड़े किचन में सब काम कर लें, झाड़ू पोछा भी ना करें, और वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला शौचालय उनके लिए होना ज़रूरी है, तो उनको भी फ़ायदा मुमकिन है।